181 सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करने से खफा गंदगी की शिकायत पर बैराड नगर परिषद सीएमओ अजीज खान ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत से कार्य का विरोध होता है, इसलिए थाने में शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का आवेदन देकर जेल भेजने की धमकी दे डाली। बैराड नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 1 के निवासी उदय सिंह उर्फ बंटी परिहार ने सीएम हेल्पलाइन पर गंदगी से परेशान होकर सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करा दी। शिकायत का निपटारा तो नहीं हुआ बल्कि हेल्पलाइन की हेल्प लेने पर उल्टा सीएमओ ने नाराज होकर जेल यात्रा की धमकी दे डाली। बताया गया है कि शिकायतकर्ता उदय सिंह उर्फ बंटी परिहार के घर के सामने कई जगह गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं, जिन्हें हटाने के लिए उसने नगर पंचायत के सीएमओ को 10 जून को आवेदन देकर शिकायत दर्ज करवाई, परंतु उक्त शिकायत पर जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तो उदय उर्फ बंटी परिहार ने 19 जून को सीएम हेल्पलाइन लगा दी, जिसके बाद नगर पंचायत ने कचरे के ढेर हटवा दिए लेकिन बाकी ढेर वैसे के वैसे ही पड़े रहने दिए। इसकी शिकायत भी पीड़ित ने सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज करा दी। इस शिकायत से परेशान होकर सीएमओ ने शिकायतकर्ता को फोन पर जेल भिजवाने की धमकी देते हुए थाने में शिकायत दर्ज करवा दी। पीड़ित ने कलेक्टर को जनसुनवाई में और पुलिस थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने पर सीएमओ द्वारा प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। सीएमओ द्वारा दी गई धमकी की ऑडियो रिकॉर्डिंग और आवेदन देकर कलेक्टर और थाना प्रभारी से इंसाफ की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? बल्ली परिहार। क्या मामला है सीएम हेल्पलाइन? सीएम हेल्पलाइन लाई सर, तो उसमें सीएमओ साहब धमकी देते हैं कि आपने शिकायत की है तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे थाने में, ये सीएम हेल्पलाइन कटवाओ अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, नहीं कटवाओगे तो फिर मैं कुछ करूँगा। गाली गलौच करते हैं सर और सर घरवाले बीमार डले हैं। काय की लगाई थी आपने सीएम हेल्पलाइन? जो घर के सामने गंदगी डली है। गंदगी की लगाई थी? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उदय सिंह है भाई। क्या मामला है ये सीएम हेल्पलाइन? कुछ नहीं है साहब, मैं सीएम लगाने के बाद मैं वहाँ पर गई नहीं, नगर पंचायत मैं गया नहीं, तो उनने मेरे को थाने को नोटिस ने करवा दिया है मुकदमा काम का, और धमकी दे रहा है मेरे से। क्या कह रहा है? धमकी दे रहा है तो मैं तुमको जेल भी दूंगा, फांसी करा दूंगा, बंद करवा दूंगा, ऐसा करा दूंगा, वैसा करा दूंगा। मैं साहब कलेक्टर साहब के यहाँ चला गया, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है जी। धमकी देते हैं नौके साहब मुड़े से। मैं उसके यहाँ कार्यालय पे गई नहीं हूँ, आवेदन लगाने के बाद में मेरे को सीएमओ नहीं जानता नहीं वो कौन है, मैं गई नहीं। एक बार आवेदन लगाने गया मैं 3 महीने बाद, पहले उन्होंने नहीं सुनवाई करी, मैंने शिकायत लगाई, शिकायत में मेरी एक ट्रॉली कचरा फेंक के दोबारा गंदगी वही तरह रही। मैंने उससे पूछा, फ़ोन करा तो कि मैं लट लेके बैठ जाऊँगा, ये कर दूँगा, मैं कर दूँगा, मैं तुम्हारा महंगा आ रहा हूँ का फालतू वातावरण करा। मैंने ठीक है सर नहीं कर रहे तो आप, मैंने दोबारा शिकायत लगा दी, उसने मेरे लिए नोटिस करवा दिया थाने का कि मैं तुम्हारे को बंद करवा दूंगा, जेल भेज दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैं साहब कलेक्टर साहब के यहाँ चला गया, कलेक्टर साहब को मैं आवेदन लगाया, एक मैंने थाने में भी लगा दिया। कारण मैं वहाँ ट्रोल लेकर गया, 2 ट्रैक्टर ले गया, UVC ले गया, 20 कर्मचारी ले गया, मैंने दोनों को भी हटवा दिए। हटवाने बाद वो संतुष्ट हो गया और उसने अपनी हेल्पलाइन कटवा दी अपने मोबाइल से के साथ। उसके बाद 2 दिन बाद मुझसे बोल रहा था कि सिंह साहब वो खड्डा नहीं लगे। अब भूरे तो पूरे गांव में डले हुए हैं, पुराना गांव है, वहाँ सब चारों तरफ भूरे डले हुए हैं, और भूरा जिसका डला है वो उसकी सीमा में डला है, इनकी सीमा में नहीं डला है। उसके बाद अन्य शिकायत कर रहे हैं, उन्होंने द्वारा फिर हेल्पलाइन लगा दी। इसके लिए मैं ये थोड़ी रहूँगा सी हूँ वहाँ बैठ जाए डंडा लेकर, साहब कब आएंगे कब मैं उनको मना करूँ, ऐसा तो संभव नहीं है। तो मैंने उनके घूरे फिरवा दिए, उन्होंने संतुष्टि से वो कटवा दिए, शिकायतें कटवा दिए, और द्वारा ढूंढ रहा तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। वो ये कह रहा था कि बोलते हैं आपने FIR के लिए थाने में आवेदन भी दिया है। इन्होंने एक बार शिकायत कटवा दी, संतुष्टि कटवा दी, उसके बाद मुझे अनैतिक साझी कारण अवरुद्ध उत्पन्न कर रहे हैं, अवरुद्ध पैदा कर रहे हैं, इनसे मुझे भ्रष्टाचार बार बार जो हेल्पलाइन के लिए कटवाने की बोलता है, ये कटवा दी नहीं है हेल्पलाइन, उसे मेरा कार्य अवरुद्ध होता है, मुझे परेशानी पैदा होती है, इसलिए मैंने को इनकी जो है मैंने थाने भेजी है। भगवान कर सो तो यार हम लोग कर रहे हैं, तुम बताऊ तुम भगवान आदि बनाए हो, तुम समझदार हो, तुम्हारे पास आने वाले फिर
हम कहाँ रिपोर्ट करें? तो आप कुछ नहीं कर सकते? मैं ना भैया कन्वर्टी कर दो, अब मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है चलो कोई बात नहीं, ठीक है तो मैं चेंज मिटा दूंगा, चाहे सुपरी करे वो तो। हाँ क्या तो चूने तो नहीं बदलेंगे हम सामने का हो आएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं। चलो टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए बैराट से माखन सिंह धाकड़ की रिपोर्ट।